अगर आपको हमारे न्यूज वीडियोस अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और साथ ही दबाइएगा नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई न्यूज मिस ना करें। धन्यवाद। जैसे जैसे 2019 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, विरोधी पार्टियां हर दिन एक दूसरे पर कटाक्ष करने के नए से नए तरीके ढूंढते ही जा रही है। कभी राहुल का आलू वाला बयान पॉपुलर होता है तो कभी मोदी से उनका गले लगना और फिर आंख मारना। बहुत सी बार ये बयान एडिट किए होते हैं और उन्हें आधा दिखाया जाता है, और वैसे भी आधा सच तो झूठ से भी खतरनाक होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के गटर गैस वाली स्टेटमेंट को लेकर भी विरोधी पार्टियों ने उनको सोशल मीडिया साइट्स पर जमकर घेरा। इस वीडियो में मोदी कहते हैं कि उन्होंने अखबार में पढ़ा था कि किसी नाले के पास से कैसे एक चाय वाला बर्तन को उल्टा करके गैस निकालता और चाय बनाने में उसका इस्तेमाल करता था। आइए पहले देख लीजिए वो पूरा वीडियो। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है, वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। एक बार मैं जब गुजरात में था तो मैंने देखा कि हमारा कॉन्वॉय जा रहा था और आगे एक स्कूटर पे बड़ा जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है वो पूरा अंदर भरा हुआ है, वो लेकर के जा रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं, स्कूटर पे इतना बड़ा ट्रैक्टर का ट्यूब कोई लेके जा रहा है तो पीछे आने वाले व्हीकल को डर लगता है कहीं टकरा न जाए। मैं भी हैरान था कि ऐसे कैसे ले जाता है। कोई भी व्यक्ति समझदार तो यही करेगा, ट्यूब खाली कर देगा और चला जाएगा और आगे जाकर के हवा भर देगा, तो ले जा रहा था। मैं यार रोक के उसको, तो हमने गाड़ी रोकी और किसान उस स्कूटर वाले को पूछा, भाई क्या है ये, तुम क्या कर रहे हो, कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मर जाओगे। नहीं, बोले खेत जाना है। तो मैंने कहा ये क्यों ले जा रहे हो, तो बोले मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा कचरा निकलता है वो, और मेरे पास दो पशु हैं उसका जो गोबर निकलता है, तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है, तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूं और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं। आप कल्पना कीजिए, हमारे देश का किसान यानी इतना सामर्थ्य पड़ा हुआ है। आज भी हमारे किसान, गांव के लोग कुछ ना कुछ नए प्रयोग करते रहते हैं। मैंने अभी एक अफ्रीकन कंट्रीज की गरीब लोगों का एक छोटा सा काम सोशल मीडिया में देखा, वो गांव में से सारे प्लास्टिक इकट्ठा कर करके नदी के तट पे ले जाते हैं और लकड़ी वकड़ी ला करके उस प्लास्टिक को जला करके पिघल देते हैं और वहीं नदी से बालू लेकर के मिक्स करते हैं और उसमें से ब्लॉक बना देते हैं और वो ब्लॉक बड़ी मात्रा में बेचते हैं। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं कर रही है काम, कचरे की सफाई भी कर रही हैं और उसका नई प्रोडक्ट करके बाजार में बेच रही है।
अब प्रधानमंत्री जिस गैस की बात कर रहे हैं वो गैस मीथेन हो सकती है, जिसका बायोगैस में भी प्रयोग होता है, पर साइंटिफिक तरीके से उसको एक्सप्लेन ना कर सकने की वजह से लोगों ने शायद उनको गलत तरीके से लिया और ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर मजाक उड़ाने लगे। पर हमारे मन में एक सवाल था कि क्या बायोगैस के अलावा जिस तरीके की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं उस तरीके से बर्तन को उल्टा करके उसमें पाइप डालकर नाले से गैस बनाना क्या संभव है। हमने इंटरनेट पर इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस ढूंढे और अंत में एक वीडियो ऐसा मिला जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के कथन की पुष्टि करता था। इस वीडियो में कुछ अंग्रेज एक नाले से ही गैस बनाते दिख रहे हैं। आइए पहले आप ये वीडियो खुद ही देख लीजिए। अब जिस चाय वाले का उदाहरण प्रधानमंत्री ने दिया था उसे खोजा जाना बाकी है ताकि उस सत्य से भी जल्दी पर्दा उठ सके। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।